नमस्ते, वणक्कम, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में लिंग देखेंगे। लिंग का अर्थ है जेंडर। तो जो शब्द किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है तो उसे बोलते हैं लिंग। तो लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग बोले तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे बोलते हैं पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग बोले तो जो शब्द स्त्री बोले तो वुमेन का जाति का बोध कराता है उसे बोलते हैं स्त्रीलिंग। सो पुल्लिंग मीन्स मैस्कुलिन और स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनिन। तो हम उदाहरण के साथ देखेंगे। पहला उदाहरण, लड़का। लड़का बोले तो बॉय, तो उसका लिंग बदले तो हो जाएगा लड़की। लड़की बोले तो गर्ल, तो लड़का लड़की। अगला है आदमी। आदमी बोले तो मैन, तो उसका अगर लिंग बदले तो हो जाएगा औरत। औरत बोले तो वुमेन, तो आदमी औरत। अगला है पति। पति पत्नी। पति बोले तो हस्बैंड, पत्नी बोले तो वाइफ, तो पति पत्नी। अगला है दादा या नाना। दादा मीन्स जो पापा के पापा होते हैं उन्हें बोलते हैं दादा। नाना बोले तो मम्मा के पापा होते हैं उन्हें बोलते हैं नाना। तो उसी का ऑपोजिट जो है, पापा के मम्मी जो होती है उसे बोलते हैं दादी, और मम्मा की मम्मी जो होती है उसे बोलते हैं नानी। तो दादा नाना इज ग्रैंडफादर, और दादी नानी जो है वो ग्रैंडमदर। और पैटर्नल मैटर, पैटर्नल होता है तो उसे बोलते हैं दादा, मैटर्नल होता है तो उसे बोलते हैं नाना। ओके, सो दादा या नाना, उसका लिंग बदलो तो हो जाएगा दादी या नानी। अगला राजकुमार। राजकुमार बोले तो प्रिंस, उसका लिंग बदले तो हो जाएगा राजकुमारी, प्रिंसेस। राजकुमार राजकुमारी। अगला राजा। राजा बोले तो किंग, तो उसका अगर लिंग बदले तो हो जाएगा रानी, क्वीन। राजा रानी। अगला है भगवान। भगवान बोले तो गॉड, अगर उसका लिंग बदले तो हो जाएगा भगवती, गॉडेस। भगवान भगवती। नेक्स्ट है सम्राट। सम्राट बोले तो एम्परर, उसका लिंग बदले तो हो जाएगा सम्राटनी, एम्परेस। सो सम्राट सम्राटनी। अगला है लेखक, ऑथर, उसका लिंग बदले तो हो जाएगा लेखिका, ऑथरेस, लेखक लेखिका। अगला है दुल्हन, ब्राइडग्रूम, उसका लिंग बदले तो हो जाएगा दूल्हा दुल्हन। दूल्हा बोले तो ब्राइड ग्रूम, दुल्हन बोले तो ब्राइड। अगला है पिता, फादर, उसका लिंग बदल दे तो हो जाएगा माता, मदर, पिता माता। अगला है बेटा। बेटा बोले तो सन, उसका लिंग बदले तो हो जाएगी बेटी, बेटा सन, बेटी डॉटर, बेटा बेटी। अगला है भाई। भाई बोले तो ब्रदर, सो लिंग बदले तो हो जाएगा बहन, बहन बोले तो सिस्टर, भाई बहन। अगला है नायक। नायक बोले तो हीरो, तो उसका लिंग बदले तो क्या होगा नायिका, हीरोइन, नायक नायिका। फिर है पुजारी, प्रीस्ट, तो पुजारी की बीवी पत्नी का नाम हो जाए, पत्नी को कैसे बुलाते हैं पुजारिन, तो पुजारी पुजारिन। फिर है भिक्षु। भिक्षु बोले तो मॉन्क, तो अगर वो लेडी हो तो उसे बोलते हैं नन, भिक्षु नन। नौकर। नौकर बोले तो सर्वेंट, तो अगर वो लेडी हो तो उसे बोलते हैं नौकरानी। फिर है प्रधान अध्यापक। प्रधान अध्यापक बोले तो प्रिंसिपल, हेडमास्टर, अगर वो हेडमिस्ट्रेस हो तो उसे बोलते हैं प्रधान अध्यापिका।
प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापिका। जानवरों पे भी लिंग होता है, तो कोई जानवरों के कुछ जानवरों के उदाहरण भी देखेंगे। तो पहला है शेर, लायन। तो अगर लायनस को क्या बोलेंगे? शेरनी, शेर शेरनी। बाघ, बाघ बोलो तो टाइगर, तो टाइग्रस को क्या बोलेंगे? बागिन, हिंदी में बोलेंगे बागिन, बाघ बागिन। फिर है बिलाव, बॉय कैट को बोलते हैं बिलाव, अगर वो गर्ल है तो उसे बोलते हैं बिल्ली, बिलाव बिल्ली। फिर अगला है बैल, बैल बोले तो बुल, तो उसका लिंग बदले तो हो जाएगा गाय, काउ। फिर है मुर्गा, मुर्गा बोले तो कॉक, तो मुर्गी। फिर है हेन, तो मुर्गा मुर्गी। अगला है हिरन, डियर, उसका लिंग बदले तो हो जाएगा हिरनी। फिर है मोर, मोर पीकॉक, अगर वो ये है तो उसे बोलते हैं मोरनी, उसका लिंग बदले तो हो जाएगा मोरनी, मोर मोरनी। तो आशा करती हूँ आपने सभी जानवर व व्यक्तियों के लिंग बदलना कैसे है वो सीख लिया है। कोई भी शंका हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसके आगे भी और सारे व्याकरण के वीडियोस पोस्ट करूंगी, कृपया सब्सक्राइब कीजिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।